हेलो फ्रेंड्स टूडे वी आर डिस्कसिंग ए 500 एविडेंस दिस स्टैंडर्ड इज रेलेवेंट फॉर बोथ सी ए इंटर एंड सी ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस की मीनिंग ऑडिट एविडेंस के नेचर्स एंड ऑडिट एविडेंस कैसे लिए जाएंगे इन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट एविडेंस की मीनिंग ऑडिट एविडेंस बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो यूज़ करता है ऑडिटर इन अराइविंग ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन तो ऑडिट एविडेंस नथिंग बट ओनली द इंफॉर्मेशन एट द ऑडिटर ओप्टेन बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसेस ऑडिटर ऑडिट एविडेंस दो जगह से ओपटेन कर सकता है फर्स्ट इज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लाइक like कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से लाइक लेजर जर्नल सब्सिडरी बुक स्टॉक रजिस्टर इन सभी से ऑडिटर बैंक uh, रिकनसिलेशन इन सभी से ऑडिटर इंफॉर्मेशन ओपटेन कर सकता है एंड सेकेंड वन इज़ द अदर सोर्स से भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन ओपटेन कर सकता है लाइक मिनट्स बुक हो गई एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो गई इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल्स हो गए इन सभी से भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन ओप्टेन कर सकता है तो इंफॉर्मेशन लेने के दो सोर्स हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं एंड सेकेंड इज़ द अदर सोर्स एविडेंस के नेचर क्या होने चाहिए सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए सफिसंसी मीन्स इन क्वान्टिटी टर्म्स अप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी टर्म्स क्वालिटी कैन अफेक्ट द क्वान्टिटी ऑफ एविडेंस बट नॉट वाइज वर्सा क्वान्टिटी डेक्ट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑडिटर को कितनी क्वान्टिटी में एविडेंस लेने होंगे ज़्यादा क्वांटिटी में कि कम क्वांटिटी में कुछ फैक्टर ऑडिटर को हेल्प करेंगे डिसाइड करने तीन फैक्टर हैं जिसको मैंने आपको न्यूमेनिक बताया था आर एम एस रिस्क ऑफ़ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है अगर आर एम एन ज़्यादा है तो ऑडिटर को ज़्यादा क्वांटिटी में एविडेंस लेने सेकेंड वन इज द मटेलिटी ऑफ आइटम कितने मटेरियल है आइटम एंड थर्ड वन इज द साइज एंड करेक्ट्रिसिटीज ऑफ द आइटम टेस्टेड यानी कि कितना साइज ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने ज़्यादा एंटिटी में और किस नेचर के ट्रांजेक्शन हुए सिमिलर नेचर के हैं या हेट्रोजीनियस डिफरेंट नेचर डिपेंड करता है क्वालिटी रिफर टू द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिलायबिलिटी तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है नेचर सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड सरकम इन विच इट वॉज ओपटे इन परिस्थितियों में वो एविडेंस लिए गए इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी के कुछ फैक्टर दिए गए लाइक रिलायबिलिटी एविडेंस की इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने एविडेंस एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्स से लिए हैं इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंस भी रिलायबल माने जाएंगे अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव एविडेंस डायरेक्टली ओपटेन मोर रिलायबल देन इनडायरेक्टली ऑप्टेन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जो लिए गए हैं वो मोर रिलायबल होंगे देन ओर एंड ओरिजिनल कॉपी इज मोर रिलायबल देन द फोटो कॉपी एंड टैक्स कॉपी और एविडेंस सोर्स के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरनल मतलब लाइक सेल्स इन्वाइस हो गया एक्सटर्नल मतलब परचेज इनवाइस हो गया नेचर के बेसिस पर डॉक्यूमेंट्री विजुअल और ओरल एविडेंस लेट्स ए टाइप ऑफ ऑडिट अब ऑडिट एविडेंस को लेने के लिए ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी होती है देर आर टू टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फर्स्ट वन इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जिसमें ऑडिटर

जिसमें ऑडिटर वाउचिंग वेरिफिकेशन करता है परपज है टू डिटेक द मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट दर्सन लेवल एंड सेकेंड इज द एनिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर बहुत सारी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इन सभी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर कुछ मेथड और कुछ टूल्स का यूज करता है सर्टेन टूल्स एंड मेथड यूज बाय द ऑडिटर जिसका शॉर्ट फॉर्म अपन ने न्यूमेनिक किया था आर ओ आई का इंस्पेक्शन करके ए आर ए आर सी लेना आर ओ आई का आर का मतलब था आर की मीनिंग थी रिकम्प्यूटेशन करना रिकलकुलेसन मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना इंटरेस्ट को डिप्रीसीसन को सेकेंड ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन लुकिंग इन टू ए प्रोसेस बींग परफॉर्म बाय द अदर कोई दूसरा काम कर रहा है आप उसे देख रहे हैं कि काम सही हो रहा है कि नहीं ऑब्जर्वेशन आई सबसे ज़्यादा यूज होता है जिसको बोलते हैं इंक्वायरी करना इंक्वायरी मतलब सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल टू द एंटिटी बोथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंक्वायरी ऑडिटर सबसे ज्यादा यूज करता है थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट इंक्वायरी का रिजल्ट इवेल्यूट करना इज ऑल्सो ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस इंक्वायरी फॉर्मल भी हो सकती ओरल भी हो सकती लेकिन अगर ऑडिटर ने ओरल इंक्वायरी की है ऑडिटर शुड हैव द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टू सपोर्ट द रिस्पॉन्स ऑफ सच और कभी कभी इंक्वायरी का रिस्पॉन्स ऑडिटर को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता है विच वॉज नॉट प्रीवियसली पोजेस्ट बाई द ऑडिटर और समाइम प्रोवाइड मोर कॉरेबरेटिव इंक्वायरी प्रोवाइड एडिटर टू मॉडिफाई हिज ऑडिट ओपिनियन एंड टू परफॉर्म दिनल प्रोसेस इंक्वायरी के बाद आता है इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन हम दो चीजों का करते हैं रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट का और एसेट्स का फिजिकल एसेट लाइक इन्वेंट्री हो गई फिक्स एसेट हो गई एंड नेक्स्ट वन इज द एक अब एनिटिकल प्रोसीजर दैट मीन्स स्टडी द रिलेशनशिप को एनालिसिस करना स्टडी करना बिटवीन द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूल्यूडेंशियल एंड री परफॉर्मेंस इज द इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूशन ए प्रोसीजर विच वेडी डन बाय द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल एंड लास्ट वन इज द कन्फर्मेशन लेना देट मीन्स डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी से डायरेक्टली रिटर्न रिस्पॉन्स देना इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑडिट एविडेंस हमेशा ध्यान रखिएगा क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं क्यूमलेटिव मतलब जो ऑडिटर को शुरू में मिले हैं उसी मैटर के बारे में ऑडिट एविडेंस कुछ टाइम के बाद फिर से उसी मैटर के बारे में एविडेंस मिल सकते है. तो एविडेंस क्यूमलेटिव नेचर के होते हैं और ऑडिटर वो एविडेंस कैसे लेता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिटर एविडेंस लेता है ऑडिटर को एविडेंस लेने के लिए दोनों इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और अदर सोर्स से भी ऑडिटर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली ऑडिटर कभी कभी एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए लाइक like, मैनेजमेंट uh, को ग्रेचुटी की वैल्यूशन करवानी है तो मैनेजमेंट ने एक एक्चुरी को अपॉइंट किया एक्चुरी इज द एक्सपर्ट कैन ऑडिटर कैन रिलाय कैन यूज द एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस एक्सपर्ट ने जो काम किया है, क्या उसके बेसिस पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे सकता है, तो उसके लिए ये ऐसे बोलता है कि ऑडिटर को तीन स्टेप फॉलो करने होंगे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एसपर्ट दैट मीन सीसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी सेकेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दर्क को समझना है उसने कौन कौन से डेटा यूज किए उसने क्या क्या एग्जम्सन लिए अपने काम में एंड फाइनली उसकी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क यानी एक्सपर्ट के वर्क की अप्रोप्रिएटनेस क्या आपको उसका वर्क सही लग रहा है ये ई करना है अगर आपके उसके वर्क से आप सेटिस्फाई है तो देन कैन यूज एक्सपर्ट वर्क एज ए ऑडिट एविडेंस फॉर द रेलिट फाइंडिंग में हम अप्रोप्रिएट uh, uh, हम कैसे ई करेंगे एक्सपर्ट का वर्क क्या अप्रोप्रिएट है कि नहीं थर्ड स्टेप में तो हम एक्सपर्ट की फाइंडिंग देखेंगे कि वो रीजनेबल है कि नहीं हम अदर सोर्स से भी एविडेंस लेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं हम उसके एजम्सन की रीजनेबलनेस को चेक करेंगे जो उसने एजम्सन ली है अपने वर्क में उसने जो सोर्स डेटा यूज किए हैं वो रिलायबल एक्यूरेट कंप्लीट है कि ये सब हम असेस करके हम कंक्लूड करेंगे कि क्या उसका वर्क सूटेबल है कि तो दीज आर द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द ऐसे फाइव